ईबायोटोरियम कंपनी उत्पादों सेवाओं में किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की गारंटी या वारंटी नहीं देती है। किसी दावे पर विचार नहीं करते हैं कि 100% विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक वैकल्पिक चिकित्सा है। इस प्रचार वीडियो में दिखाए गए चित्र और दृश्य केवल एक डॉक्टर की छाप है और केवल परिकल्पित विकारों के संकेत है। और वीडियो में दिखाए गए फायदे जो लोगों ने बताए हुए हैं वो उन्होंने खुद अनुभव किए हैं और वो खुद उन्होंने बताए हैं बिना किसी के दबाव में आए। सूचना की सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं दी गई है और न ही इस वीडियो ब्राउज़र या अन्य कोई प्रचार दस्तावेज के तहत या किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी उपयुक्तता या पर्याप्तता के लिए या अन्यथा कोई प्रतिबंधित नहीं दी जा रही है। दोस्तों इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं, ये कह लो कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है। मैं फिर से आप लोग इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि आप लोग जो भी यहाँ सुनने समझने वाले हैं अपने पास में डायरी पेन रखें, नोट्स कर बनाएं, क्योंकि यह जितना बार आप इस नॉलेज को लेंगे और वो भी आपके हमारे सबके चाहते आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी सर के माध्यम से आप सुनेंगे समझेंगे तो हर बार आपको उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो बी रेडी, अब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और आपके हमारे बीच में बहुत जल्दी पधार रहे हैं यहाँ पर और हम उन्हें यहाँ पर वेलकम करने के लिए आतुर हैं। तकरीबन 600-700 लोग हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी भी आपके पास में मौका है, जब तक आकर के सर यहाँ पर अपनी बात का शुरुआत करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने लोगों को आप इन्वाइट कर लें। सो थैंक यू वेरी मच और अब मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करने वाला हूँ। आप सब लोगों का साथ भी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ पर इन्वाइट करेंगे आपके हमारे सबके चहेते आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी सर। वेलकम सर, बहुत ही बेहतरीन। तो शुरुआत की जाए, एयर कंडीशन बंद है क्या? चालू है इसके। चालू है, चलो ठीक। हेलो, चालू करते हैं। हेलो, चलिए जी हम लोग शुरुआत करते हैं। आप तमाम लोगों का मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ ईबायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में। जूम के ऊपर भी हमें लोग सुन रहे हैं, आवाज़ की क्लैरिटी कैसी है जूम के ऊपर? परफेक्ट ना? यस। ओके, और वीडियो क्वालिटी भी ज़बरदस्त। चलो बेहतरीन। तो वक्त को ना गवाते हुए हम लोग टू द पॉइंट हमारे कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। ये पूरा बिजनेस क्या है, ये पूरा प्रोडक्ट क्या है, ये पूरी सिस्टम क्या है, इसको हम लोग आज हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। परफेक्ट, प्रॉपर तरीके से इसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी को समझते हैं, क्योंकि कंपनी को समझना सबसे बड़ी बात है। बाकी आपका प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो बात की बात है। पहले हम लोग कंपनी और कंपनी चलाने वाला कौन है वो देखेंगे, क्योंकि वो अगर स्ट्रांग है तो ही आगे का सब कुछ स्ट्रांग रहेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत करियर भी हम करेंगे। और जो आज ईच एंड एवरी पर्सन के अंदर जो डेफिशिएंसी है ब्लड सर्कुलेशन की, आज उसके बारे में भी बात होगी, आज मैग्नेटिज्म के बारे में भी बात होगी। दोस्तों पिछले 16 सालों से हम लोग मैग्नेटिज्म पे काम कर रहे हैं, इसी जगह पे बैठ के हम पूरी दुनिया में मैग्नेटिज्म में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड वाइड इसको सप्लाई करने का काम हम पिछले 16 सालों से कर रहे हैं। तो काम करते करते हमारा मैग्नेटिज्म के ऊपर का तजुर्बा बढ़ा, मैग्नेटिज्म क्या है उसके बारे में हमने उसके ऊपर रिसर्च किया और मैग्नेटिज्म क्या है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिज्म क्या है। ओके, और इस कंसेप्ट को रन करने के लिए हमने रेफरल यानी माउथ पब्लिसिटी का सहारा लिया। अगर आपको हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगी तो आप अपने नियर एंड डियर आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ। और वैसे भी देखो दुनिया में कोई फ्री में काम नहीं होता, तो आपको हम इसमें से एक अच्छा अर्निंग सोर्स भी देंगे, तो उस अर्निंग सोर्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर हमारी टेलीविजन स्क्रीन है उसके ऊपर आपको लाइव बिजनेस प्लान भी दिखाऊंगा। तो आज तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। आज तक क्या था कि हम लोग कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादातर बात करते थे। आज भी मैं जो मेरा प्रोग्राम कहीं पे भी होता है तो मैं उसके ऊपर तकरीबन 70% तो मैं प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूँ। तो आज हम प्रोडक्ट कंपनी और सबका कॉम्बिनेशन में बात करेंगे। ऐसे रेगुलर प्रोग्राम्स हमारे होते रहेंगे जिससे आपका आपके लोगों का नॉलेज एनहांस होगा। ओके, तो चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते, पहले कंपनी को समझते। 16 सालों से हम लोग मैग्नेटिज्म की दुनिया में है, मैग्नेटिज्म के अवेयरनेस करते हैं और अभी तक हमारे पास 5 से भी ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस है, जो 16 सालों से हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी हमने सिर्फ मैग्नेटिज्म की प्रोडक्ट को ही हमने प्रमोट किया है। दूसरा, हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर में भी है और हमारा सॉफ्टवेयर हम लोग खुद ही बनाते, तो नेटवर्क मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर हम लोग पिछले 16 सालों से बनाते आ रहे हैं और 4,800 से भी ज़्यादा MLM कंपनीज को हमने बायोमैग्नेटिक के प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं और बायोमैग्नेटिक और हमने सॉफ्टवेयर भी बना के दिए कंपनी को, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर
हर कंपनी को हमने बना के दिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, डिस्पैच, ये सब चीज़ों में हमारी सुपर मास्टरी है और इसीलिए हम लोग इस कंपनी को एक लेवल पर, एक ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, 18 महीने हो गए हमारी इस कंपनी को। 18 महीने में हमने टाइम टू टाइम लोगों को प्रोडक्ट भेजा, हमारा प्रोडक्ट बल्कि तो कभी 2-5 दिन आगे पीछे हो जाता क्योंकि डिपेंड्स ऑन कुरियर। और 18 महीनों में हमने टाइम टू टाइम लोगों को 1-1 घंटे में उनकी जो पे आउट्स है वो भी हमने दिए, ये सबसे बड़ी बात है। और उसको लेकर हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जा रहे हैं और तमाम सर्टिफिकेट्स हमारे पास है जितने भी चाहिए। और ये अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी का प्रोडक्ट है, तो अल्टरनेटिव एक्शनल यूज प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग है क्योंकि 16 सालों से हम लोग इस बिजनेस में है, 18 महीने हमने टाइम टू टाइम 1-1 घंटे में लोगों को पे आउट दिए और एक ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी हम बना रहे। और मुंबई जैसे शहर में एक लैविश, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस और फैक्ट्री हमने ओपन की। अब ये फैक्ट्री हमें कम पड़ेगी करके हमने और एक तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फीट का फैक्ट्री का प्लानिंग अभी कर रहे हैं हम लोग यहीं से 20 मिनट के दूरी पे, तो वो भी आने वाले 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट को लेके हम लोग वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं और अप्रैल महीने में हमारा USA में सबसे पहला काम शुरू हो रहा है, अमेरिका में हम लोग कामकाज शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ पर हमारी प्रोसीजर लगभग 50% होगी, 50% अभी बाकी है लेकिन वो भी हमारा हो जाएगा क्योंकि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हमें बहुत ही स्ट्रांग पार्टनर मिले हैं और वो हमको वहाँ पर पूरे USA में स्प्रेड करने में हमें हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो कंपनी अपने जगह पे एकदम सही है, अगर कंपनी सही है तो ही हम उसमें करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी को देखना है, तो कंपनी का स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग है, एवरीथिंग इज इन हाउस। इवन हमने हमारा रेस्टोरेंट भी बना दिया कि हमारे लोग यहाँ पर आते, उनका चाय नाश्ता खाना पीना हम यहाँ कर रहे हैं, देन उनको ठहरने के लिए हमने बंगलों की भी व्यवस्था कर दी। तो इस एक हद से आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम लोग इस कंसेप्ट को लेकर जा रहे। आज ईच एंड एवरी पर्सन में मैग्नेटिज्म की डेफिशिएंसी है, तो उसको हम लोग आज समझते हैं। अर्थ है ना अपने, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये अर्थ है, मैग्नेटिज्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है। तो कंपनी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग है, जितना मैंने मुझे कंपनी के बारे में आज बताना था यहाँ पर मैंने बता दिया है। एवरीथिंग इज इन हाउस, मैन्युफैक्चर बाय, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और भारत सरकार ने इस MLM के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कानून बनाया है, तो भारत सरकार का कहना है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड में मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट बेस्ड में लोगों को एक अच्छे रेट में माल बेचो और उसमें से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो आप एज पर द सिस्टम गवर्नमेंट के टैक्स पे करके आप कर सकते हैं। तो आज के बाद, मतलब 1 तारीख के बाद, 1 अप्रैल के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी या कोई भी क्रिप्टो करेंसी टाइप की कंपनी वर्क नहीं कर सकती क्योंकि वो पैसे के अगेंस्ट पैसा घुमा रही है। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकली इंपोर्ट हो रहा है, प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रैक्टिकली मटेरियल हमारा लाखों हजारों जगह पे जा रहा है, लाखों लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी फिल्म तभी हिट होती है जब लोग उसे पसंद करते हैं, ओके। तो आज हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लाखों की तादाद में हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे हिंदुस्तान में हम अभी फिलहाल 29 राज्यों में फैल चुके हैं और आने वाले दिनों में हम लोग जितने भी दुनिया के अंदर देश है वहाँ पर ये प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे और बहुत ही आसानी से लेकर जाएंगे क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी का प्रोडक्ट है। उसके अंदर कोई लिक्विड, कोई केमिकल, कोई पाउडर, इस टाइप का कुछ भी नहीं है, तो हमको ईजिली पूरी दुनिया में स्प्रेड होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और सारे जगह से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आज हम लोग प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट हमारी ह्यूमन बॉडी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है और हमारा बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग करते हैं, अरे कोई जादू की छड़ी नहीं है लेकिन मैग्नेट हमारे ऊपर काम करता है, हमारा बॉडी भी मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करता है, इसके डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाते हैं। पानी को विद इन ए सेकेंड हम चार्ज करके पानी का एक बूंद हाथ पे डालने के बाद बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वहीं पर आपको जवाब मिल जाता है और वहीं एक आपको सिग्नल और इंडिकेशन मिलता है कि ये मैग्नेट कैसे काम करते हैं। पानी का सिंगल बूंद अगर आप पे आपकी एनर्जी लेवल 10 से 15 गुना 20 गुना अगर बढ़ा देता है तो इसका मतलब हमारा मैग्नेट काम कर रहा है और हमारा बॉडी भी मैग्नेट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है, वो जो डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाते हैं वही एक बहुत बड़ा सिग्नल और बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इन फ्यूचर आपके शरीर के अंदर मल्टीपल बीमारियाँ हो सकती है क्योंकि आज ब्लड सर्कुलेशन आज हर एक का डिस्टर्ब है। तो तकरीबन 16 साल में मैग्नेटिज्म के ऊपर रिसर्च एंड स्टडी कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर 16 साल की स्टडी के बाद मैंने मेरी एक पंचलाइन बनाई है, 99.99% causes of the disease and disorder only due to lack of blood circulation and oxygen level। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ कि हमारे शरीर के अंदर दुनिया की कोई भी बीमारी
सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से आपके बॉडी के अंदर वो मौजूद है या भविष्य में वो मौजूद रह सकती है। तो इस ये बीमारी होती क्यों है, बीमारी होने का रूट कॉज क्या है, बीमारी होती ही क्यों है उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। तो बीमारी होती ही क्यों है उसके बारे में आज हम लोग साइंटिफिक वे से समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, करोड़ों सालों से हमारे शरीर को पंच तत्व ही चाहिए थे, आगे भी पंच तत्व ही चाहिए। अभी पंच तत्व कौन से है, हवा, पानी, खुराक, मैग्नेटिक पावर एंड सनरेज, ये पंच तत्व हमें चाहिए। छठवा किसी तत्व की हमारे शरीर को जरूरत भी नहीं है, तो मुझे बताइए सब कुछ मिला और पानी नहीं मिला, सब कुछ मिला पानी नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ मिला हवा नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ मिला खाना नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ मिल रहा है सन की रेजी नहीं मिली जिंदा रह सकते, और सब कुछ मिला पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर अगर नहीं मिली तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा और हम लोग 45 सेकंड में दुनिया से चल बसेंगे। तो पांचवा जो एलिमेंट है मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, आज उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए सर, आज हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो फाइव एलिमेंट से तो बना ही है, लेकिन वो ब्लड सेल से बना है। हमारी टोटल टॉप टू बॉटम बॉडी ब्लड सेल से बनी, ये बाल, ये नाखून, ये स्किन, ये हड्डी, शरीर के अंदर जितने भी 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट से सारे के सारे ब्लड सेल से बने, और ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन। उसको अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन मिलेगा तो ही ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा और हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल्स डेड तो बॉडी डेड। तो इस लॉजिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या चीज है। देखिए आज किसी का भी वजन अगर 65 केजी है तो उसके शरीर के अंदर 120,000 कैलोरीज होती है, और उस 65 केजी के बॉडी को जिंदा रहने के लिए रोज 2000 कैलोरीज चाहिए, 2000 कैलोरीज जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो 120,000 ऑलरेडी डिपॉजिट है, तो 120,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो वो 65 केजी की बॉडी वर्स्ट केस में 60 डेज जिंदा रह सकती है विदाउट एनी न्यूट्रिशियस, विदाउट एनी फूड। 15 से 16 दिन हमारा ह्यूमन बॉडी पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, ये साइंस ने प्रूव हुआ है, लेकिन चंद सेकंड भी हम लोग ऑक्सीजन के बगैर रह नहीं सकते। तो उस ऑक्सीजन यानी प्राणवायु के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो दुनिया में जब आदमी ये दुनिया छोड़ के जाता है ना, तो लास्ट में एक ही स्टेटमेंट आता है, उन्होंने 2:50 में आखिरी सांस ली, ना कि ये बोला जाता है कि उन्होंने 2:55 में आखिरी खाना खाया या आखिरी न्यूट्रिशन लिया। तो ये प्राणवायु के बारे में आज बात करेंगे, प्राणवायु शरीर में कैसे बढ़ता है, वो एक एनर्जी है और प्राणवायु के सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन, उसको एवरी सेकेंड ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि खाना 60 दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पानी 15 दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि मैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। तो उस मैग्नेटिज्म के बारे में आज मैं साइंटिफिक आपको समझाऊंगा। मैग्नेट हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और बाय डिफॉल्ट शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाता है, और आज सारी की सारी बीमारियां ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आपके शरीर में हो रही है। तो ऑक्सीजन बढ़ा तो हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होंगे, ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। देखिए ये मैग्नेट किसी बीमारी की दवा बिल्कुल भी नहीं है, मैग्नेट किसी भी बीमारी की दवा नहीं है, मैग्नेट एक ही काम करता है, मैग्नेट आपके आयरन के ऊपर, हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है उसके अंदर जो आयरन नाम का कंपोनेंट है, उस आयरन नाम के कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करता है, एनर्जी देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है। अब मैं साइंटिफिक वे से समझाता हूँ कि मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेट पैदा कैसा होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा अर्थ है और हमारा अर्थ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रिलीज करता है, ये आउटर कोर की वजह से। आपके घर के अंदर अगर 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास के स्टूडेंट है, बच्चे है, तो उनकी किताबों में भी भर भर के इसके बारे में लिखा है, व्हाट इज द आउटर कोर, व्हाट इज द इनर कोर। और नहीं है तो आप इंटरनेट तो बैठा ही, इंटरनेट पे आप आउटर कोर डालो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लाखों करोड़ों पेज उस पे खुलेंगे। मैग्नेटिज्म के ऊपर 2000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल बुक्स मौजूद है, वो सारे के सारे मेरे व्हाट्सएप में है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी इतना रिसर्च और स्टडी हो चुका है, करोड़ों पेजेस की डिटेल्स इंटरनेट के ऊपर है। मतलब आज अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो 500 साल लगेगा खत्म होने में, ऑलरेडी इसके ऊपर इतना रिसर्च और स्टडी हो चुका है।
तो हमको टू द पॉइंट सब्जेक्ट को समझना है कि मैग्नेटिज्म हमारे ह्यूमन बॉडी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है और हमारा बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है और हमारा बॉडी एज ए स्पंज उसको एब्सॉर्ब करता है। मान के चलिए स्पंज को अगर मैं पानी में डुबा दूं तो क्या करेगा, ये पानी को एब्सॉर्ब करेगा। तो वैसा सेम हमारा शरीर मैग्नेट को एब्सॉर्ब करता है। अभी मैग्नेट पैदा कैसा होता है पहले मैं वो बताता हूं आपको, फिर आगे की बात करते। ये इसके अंदर एक आउटर कोर करके एरिया है, पृथ्वी के 5000 किलोमीटर नीचे एक आउटर कोर करके एरिया है। आउटर कोर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये जो येलो कलर का एरिया है वो है लिक्विड बेस आयरन का समंदर, मतलब लोहे का समंदर है, और वो भी 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म। अब लोग बोलेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, 6000 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये होता है कि 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है। तो अब 6000 डिग्री सेल्सियस कितना गर्म हो सकता है उसका अंदाजा लो। तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस का गर्म पृथ्वी के पेट में और एक पृथ्वी बैठ जाएगी, इतना बड़ा लोहे का समंदर है और हमारा पृथ्वी घूमता रहता है और घूमने के कारण उसमें से एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। हमारी पृथ्वी हजारों किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूमती रहती है और घूमने के कारण एक घर्षण पैदा होता है और घर्षण के कारण एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर इनविजिबल मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी एंड इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, उनको कहीं पर भी मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी नहीं मिली या ना कोई जीव सृष्टि मिली। तो नासा के साइंटिस्ट रिसर्च किया कि ऐसा क्यों, धरती के ऊपर इतनी भर भर के जीव सृष्टि है लेकिन किसी भी प्लैनेट के ऊपर कोई जीव सृष्टि नहीं है। आज तक आपने कभी देखा कि नासा के साइंटिस्ट गए कोई इंसान को नीचे लेकर आए या कोई जानवर को नीचे लेकर आए, बोले मंगल से हमने ये लाया या बुध से हमने ये लाया, ऐसा कभी हुआ क्या? तो वहां पर जीव सृष्टि नहीं होने का एकमेव कारण है क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी नहीं है, और अपने धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है करके इधर जीव सृष्टि है। क्योंकि हर चीज किससे बनी है, ब्लड सेल से बनी। पेड़ के अंदर भी सेल्स होते, जानवर के अंदर भी सेल्स होते, इंसान के अंदर भी सेल्स होते। तो उस सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए मैग्नेटिक पावर जो सिर्फ धरती के ऊपर ही है और कहीं नहीं है, और धरती के ऊपर भी आज हमें कम मात्रा में मिल रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक पावर, हमारा अर्थ खुद एक मैग्नेट है। आप जमीन पे अगर चलोगे तो एज वेल एज मैग्नेट के ऊपर चलने के बराबर है वो, लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर, वो जो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी आज हमको कम मात्रा में मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ये फ्लोरिंग लोहे की, ये छत लोहे का है, बाजू के बीम कॉलम लोहे के, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, करोड़ों बिल्डिंग्स आजू बाजू में है, बाइक कार बस ट्रक तमाम चीजें लोहे से बनी है और हमारा अर्थ एक मैग्नेट है, वो भी इनविजिबल। जैसे आप ऑक्सीजन को देख नहीं सकते वैसे आप मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी भी देख नहीं सकते। जैसे आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन मौजूद है वैसे आपके सराउंडिंग में अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी भी मौजूद है और हमारा बॉडी उसको खींच के पंपिंग करता है। हमारा बॉडी उस मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को खींचता है जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। बस मैं इतना ही बता दूं आपको, बाद में आप इंटरनेट पे डाल के देख लो, योर ब्रेन एंड योर हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। मतलब आज का जो ईच एंड एवरी सेकेंड जो आपका हार्ट धड़क रहा है, जो पंपिंग कर रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। और आज अभी जो भी आप सोच रहे हो, आपका ब्रेन जो भी फंक्शनिंग कर रहा है, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। क्योंकि हार्ट को और ब्रेन को पृथ्वी से मैग्नेटिक पावर मिलती है और जिसके कारण वो फंक्शन करते, क्योंकि हम एक इनविजिबल डॉट से हम भी पैदा होते हैं। हम जब पैदा होते तो हम एक इनविजिबल डॉट होते हैं, वहां से हमारा इतना बड़ा बॉडी बन जाता है। तो ये मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के कारण ही आज हमारा हार्ट पंपिंग कर रहा है। लेकिन कुदरत से जो मैग्नेटिक पावर आपको मिलनी चाहिए आज बहुत कम मात्रा में मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि आज आपके 3 फीट में लोहा है और 3 फीट में लोहा होने के कारण जो आपके सराउंडिंग की जो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है वो आजू बाजू का लोहा अपनी ओर खींच लेता है। जो 100% मैग्नेटिक पावर आपको मिलना चाहिए वो आज आपको 25-30% कम मिल रहा है, जिसके कारण आपका जो हार्ट का पंपिंग एबिलिटी है, पंपिंग का जो कैपेसिटी हार्ट का कमजोर हो गया है। मतलब हमारा एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, यानी कि हर सेकंड 70 ml ब्लड हमारा हार्ट पंपिंग करके पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। एवरी सेकंड 70 ml, 70 ml, 70 ml, 70 ml। लेकिन पृथ्वी से जो मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए वो कम मिल रहा है, जिसके जगह वो 50 ml, 40 ml, 35 ml, 30 ml, 25 ml ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरे बॉडी के अंदर। आवर बॉडी इज स्पंज, हमारा बॉडी क्या करती है, सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को खींचता है, इसीलिए हार्ट पंपिंग करता है। आवर हार्ट इज अ पंप। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए
इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वैसे हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज हमें कम मिल रहा है, जिसके कारण हार्ट ने कम सर्कुलेशन दिया, यानी जहां 70 ml ब्लड सर्कुलेट करना था उसकी जगह अगर उसने 50 ml सर्कुलेट किया या 40 ml किया, तो 30 से 40 ml का हर टाइम हर सेकंड डेफिशिएंसी जाएगा। और हमारे बाकी के ऑर्गन पार्ट के ब्लड के प्रोपोर्शन फिक्स है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के प्रोपोर्शन फिक्स है, जैसे किडनी को जिंदा रहना है तो किडनी को हर सेकंड 22 ml ब्लड मिलना चाहिए, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको। ब्रेन को जिंदा रहना है तो 16 ml ब्लड मिलना चाहिए एवरी सेकंड, लंग्स को जिंदा रहना है तो 25 ml मिलना चाहिए, लेकिन हार्ट में ही कम सर्कुलेशन देने के कारण बाकी ऑर्गन पार्ट को फिर कम कम प्रोपोर्शन में ब्लड जाता है और फिर वहां पर एक डिसीज पैदा हो जाता है ऑर्गन पार्ट को, यानी ब्लड सेल्स को, ऑर्गन पार्ट और ब्लड सेल्स दोनों भी सेम है, ब्लड सेल्स को या ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, और जब उसका खुराक कम हुआ तो उसमें अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर पैदा होते हैं और वो डिसऑर्डर आगे जाके डिसीज में कन्वर्ट होता है। जैसे अपना खुराक दाल रोटी सब्जी है, वैसे हमारा बॉडी का खुराक क्या है, हमारे ब्लड सेल्स का खुराक क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो आपकी भूख अगर 4 रोटी की है, आपको अगर 2 रोटी मिलेंगे तो आप भी कमजोर पड़ जाओगे, तो वैसे हमारे ऑर्गन पार्ट का है, हार्ट के तरफ से अगर कम पंपिंग मिला यानी कम सर्कुलेशन मिला तो फिर हर एक ऑर्गन पार्ट का ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रोपोर्शन कम हो जाता है। तो ये प्रोपोर्शन क्यों कम हुआ, क्योंकि आज आपके 3 फीट में लोहा है। अच्छा, आज से 150 साल पहले हमारे आजू बाजू में लोहा था ही नहीं, ये जो 70-80 सालों में जो लोहा बढ़ा है उससे पोलराइजेशन हुआ है, जो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को आप नहीं देख सकते लेकिन लोहा समझ जाता है, लोहा सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को खींचता है, और जिसके कारण हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम कमजोर पड़ने से हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से एक ही चीज होती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है, वो भी मैं आपको साइंटिफिक वे से समझाता हूं। देखिए, ये एक साइकिल का पंप है, ऐसा समझ कर चलो, इंजेक्शन एक साइकिल का पंप है। साइंस क्या कहता है, जहां पर एम्प्टी स्पेस है वहां पर ऑक्सीजन जाता है। अभी मान के चलो एक पानी की बॉटल है जो तकरीबन 30% भरी है, 70% खाली है, तो इसमें 30% क्या है, पानी, और बाकी 70% क्या है, ऑक्सीजन। तो साइंस ये कहता है कि जहां पर एम्प्टी स्पेस है विद इन ए नैनो सेकेंड वहां पर ऑक्सीजन चला जाता है। अब ये इंजेक्शन है, मैं इसको पीछे करता हूं, तब क्या हुआ, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ, अब अंदर क्या है, अब मैं आगे करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो मैग्नेट भी बस इसी तरह काम करता है, मैं आपको ध्यान से समझा देता हूं। देखो, हमारे शरीर के अंदर है ब्लड, ब्लड के अंदर है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर है आयरन नामक कंपोनेंट। ये आयरन नामक कंपोनेंट को हमारा मैग्नेट, जो नेचुरल मैग्नेट है, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल मैग्नेट, दुनिया में दो टाइप के मैग्नेट होते हैं, एक नेचुरल इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट, और एक होता है नेचुरल मैग्नेट, जो जमीन से माइनिंग करके स्पेशल प्रोसेस करके नैनो और बायोटेक्नोलॉजी में उसको कन्वर्ट करके, इट्स अ वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ मेडिकल ग्रेड बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी मैग्नेट, सो वेरी एक्सपेंसिव। तो ये मैग्नेट हम उसमें यूज करते हैं, और मैग्नेट क्या करता है, हमारे बॉडी की जो आयरन, आयरन नाम का कंपोनेंट है, उसको वो एनर्जी देता है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बता दूं, मान के चलो ये मैंने एक पेज लिया और इसके ऊपर मैंने कुछ नेल रखे, छोटे छोटे नेल रखे, और पीछे से मैंने मैग्नेट रख दिया, नीचे से मैग्नेट रखा, तो क्या होगा, सब नेल एक दूसरे को पकड़ लेंगे, अगर जैसे मैंने मैग्नेट हटा दिया तो क्या हो जाएगा, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, लोहे के अंदर जो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो हमारे बॉडी के अंदर भी आयरन है और सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, साइंस को समझो, हमारे सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी और मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी हमारे सराउंडिंग और हमारे बॉडी के अंदर आयरन। तो ये मैग्नेट आयरन को इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे हमारा हार्ट पंपिंग करता है, सबसे पहला तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर के अंदर फैला देता है, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट अपने पास पुल करता है, पुल एंड पुश करने का काम है हार्ट का। तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चेंबर है, 2 चेंबर में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है और 2 चेंबर में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। तो जो इम्प्योर ब्लड हार्ट रिटर्न उसको खींच के लेता है, रिटर्न पुल करता है उसको, तो जैसे हार्ट में वो इम्प्योर ब्लड आता है तो हार्ट उसको प्यूरिफिकेशन के लिए कहां भेजता है, लंग्स में भेजता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दो साइड में हमारे लंग्स से उसकी 600 ml ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है तो उसके मौजूद हीमोग्लोबिन के अंदर का मौजूद आयरन नाम का कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और सराउंडिंग में जितना भी ऑक्सीजन मिला उस ऑक्सीजन को खींच लेता है और वापस हार्ट के दूसरे कंपार्टमेंट में आता है और हार्ट उसको पंपिंग करके पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैलाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड खत्म होने के बाद वापस उसको रिवर्स लेता है वो हार्ट अपना पंपिंग करके वापस उसको लंग्स में भेजता है और लंग्स में आयरन नाम का कंपोनेंट वापस ऑक्सीजन को खींचता है। तो हमारे
शरीर के अंदर ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने का काम किसने किया? आयरन ने, समझ में? ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसने किया? आयरन ने। अगर आयरन नाम का कंपोनेंट ही अगर हम हमारे शरीर से अगर 45 सेकंड के लिए भी दूर कर देंगे ना, तो 46वें सेकंड में हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इतना जरूरी आयरन। अब आयरन को क्या करता है? मैग्नेट इन्फ्लुएंस करता है, ताकत देता है। तो आयरन का काम क्या? ऑक्सीजन को खींचना। जहां पर अगर आप मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी में नहीं रहेंगे तो 20% ऑक्सीजन उठाएगा, लेकिन अगर मैग्नेट की इन्फ्लुएंस मिली उसको तो 60-70% ऑक्सीजन उठाता है, ज्यादा ऑक्सीजन क्वांटिटी उठाता है और वापस हार्ट में आके गिरता है। तो क्या हुआ? आपके शरीर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की प्रमाण बढ़ गई। डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने से आपके ब्लड सेल्स हेल्दी हो गए, तो ब्लड सेल्स हेल्दी होने से प्रॉब्लम रिवर्स हो जाते। समझ में आपको? आयरन नाम का कंटेंट आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन स्प्रेड करने का काम करता है, और आयरन हमेशा मैग्नेट से प्यार करता है और मैग्नेट हमेशा आयरन से प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते, मतलब जहां कहीं भी मिलेंगे दूसरों को पकड़ लेते, एक दूसरे के गले मिल जाते, बराबर ना? तो ये मैग्नेट हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, और दुनिया की हर एक बीमारी ऑक्सीजन के कमी के कारण ही आपके शरीर के अंदर अभी मौजूद है। ये कोई मेडिसिन नहीं, ये कोई दवा नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ओके? ये मैग्नेट वर्ल्ड वाइड प्रूव, इट्स अ टाइम टेस्टेड प्रूवन मैग्नेट, इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन बाय डिफॉल्ट, एनहांस योर ऑक्सीजन। इस तरह से ये ऑक्सीजन को बढ़ाता है। एक दो मुद्दे और मैं लूंगा, एक हाई बीपी के बारे में आज बात करेंगे और हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। ये दोनों बीमारी जिसको है ना, वो अंदर से हर सेकंड खोखला होता रहता है, हर मिनट हर सेकंड वो अंदर से खोखला हो रहा है, और हम डायबिटीज की राजधानी है, हर तीसरे बंदे को आज डायबिटीज है। और डायबिटीज जो बीमारी है वो एड्स और कैंसर से भी भयानक बीमारी है, क्योंकि डायबिटीज वाले की अगले 2 घंटे की भी गारंटी नहीं होती, इतना डेंजर बीमारी है डायबिटीज और हाई बीपी। और डायबिटीज प्योरली ऑक्सीजन रिलेटेड बीमारी है। आपके बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने के कारण इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाता, क्योंकि ग्लूकोज को जलाने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। जैसे एक मोमबत्ती ली मैंने, उसको जलाया और उसके ऊपर ग्लास उल्टा रख दिया, कांच का ग्लास उल्टा रख दिया, तो 15 सेकंड के बाद वो मोमबत्ती बुझती, मोमबत्ती बुझी क्यों? 15 सेकंड जली क्यों? 15 सेकंड इसलिए जली कि 15 सेकंड तक उसको ऑक्सीजन मिल रहा था, 15 सेकंड के बाद बुझी क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। सेम हम लोग जो भी खाना खाते वो कार्बोहाइड्रेट खाना है, आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, 2-2.5 घंटे के बाद उसका कन्वर्जन ग्लूकोज और फैटी एसिड में होता है, और दोनों शरीर को चलने के लिए एनर्जी देता है। ग्लूकोज भी हमें एनर्जी देता है, फैटी एसिड भी हमें एनर्जी देता है, फैटी एसिड बाद में चर्बी में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर हमने खाना खा लिया, 2-2.5 घंटे के बाद वहां पर ग्लूकोज बना, और 2-2.5 घंटे के बाद यहां पर इंसुलिन भी बन जाता है। अब इंसुलिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब आपके शरीर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रॉपर है। तो उसको कम मात्रा में डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलने के कारण होता क्या है, उसको थोड़ा बहुत जला देता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जला देता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, तो आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती रहती है, और 3-4 साल के बाद आपको शुगर डिक्लेयर होता है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल बाल से भी पतली है, उसके अंदर वो रुक जाता है, जो आप नाक से सांस लेते हो उस ऑक्सीजन को, वो ब्लड वाला सॉरी वो शुगर वाला ब्लड ऑक्सीजन को आगे जाने नहीं देता है, जितने प्रपोर्शन में जाना चाहिए उतने जाने नहीं देता है। इसके लिए ये जो डायबिटीज वाले होते हैं, इनकी ईच एंड एवरी ऑर्गन कमजोर पड़ जाते हैं, और जब भी डायबिटीज वाला मरता है कम से कम 45 ऑर्गन फेल्यूर से मरता है, और उसके ऑर्गन किसी के भी काम नहीं आते, उसको हम ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। तो इतना जरूरी है ये, मतलब ये आपको खेल समझ में आ गया। ऑक्सीजन की कमी शरीर के अंदर जब हम नाक से सांस लेते हैं वो लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू खून में मिलता है, तो उसको बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। फिर तो ये ऑक्सीजन बढ़ाने में मैग्नेट बहुत हेल्प करता है। और हमारा हार्ट और हाई बीपी की बात करता हूं। हाई बीपी क्या होता है? हमारा हार्ट है ना, प्रेशर से जब ब्लड को खींचता है, क्योंकि उसको मैग्नेटिक पावर नहीं मिलने के कारण हार्ट को, तो हार्ट का काम क्या है? ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को जिंदा रखने का काम है, सर्कुलेशन देने का काम है। जब आपको मैग्नेटिक पावर अर्थ की कम मिलती है, तो हार्ट क्या करता है? प्रेशर से ब्लड को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। और हमारा हार्ट कम से कम 80 और मैक्सिमम 120 के ऊपर का प्रेशर झेल नहीं सकता। उसके ऊपर अगर प्रेशर हो जाता है तो हमारी जो ब्लड वेसल है, जो बाल से भी पतली है, उसके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। फिर जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो वहां पर अटक जाता है, ब्लड को आगे जाने में दिक्कत होती। फिर जिस एरिया में आपको ब्लॉकेज हुए, उस एरिया के ऑर्गन पार्ट कमजोर होने शुरू हो जाते, उससे रिलेटेड आपको डिसीज होना शुरू हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के इन्फ्लुएंस में अगर हम आते हैं, तो आपका जो हाई बीपी है, आपका हार्ट स्मूथली पंपिंग करना शुरू करेगा, वो जोर से खून को नहीं खींचेगा या पुल एंड पुश जोर से नहीं करेगा, जिसके कारण आपका हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
कंपनी कोई भी गारंटी वारंटी कोई भी क्लेम नहीं करती, क्योंकि मैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल साइंस। आप इंटरनेट पे जाओ, आपको करोड़ों करोड़ पेज मिलेंगे, बहुत सारी बुक्स है। तो उसमें से सीख कर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि एक आम रिक्शा वाला भी समझ जाए और एक BMW मर्सिडीज वाला भी आसानी से चीजों को समझ जाए कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। तो हजार बात की एक बात, हमारे शरीर में बीमारी होने का रूट कॉज यानी मुख्य कारण ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है तब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हमको ये मालूम है कि इन कारणों की वजह से बीमारी होती है तो फिर बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाके लाखों करोड़ों खर्च करने में कोई अकलमंदी नहीं है। और जिसके पास भी करोड़ रुपए वो भी अपने आपको बचा नहीं पाया। और ऋषि कपूर साहब हजारों करोड़ों के मालिक थे, अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी, मनोहर पर्रिकर, इरफान खान, अभी अपने बप्पी लहरी, इनके पास पैसों की कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था खाने पीने का वांदा था, पैसों की कमी नहीं थी। कहीं ना कहीं शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई और वो उनको उससे रिलेटेड डिसीज हुआ। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है ना तो उसका मेन रूट कॉज है ऑक्सीजन की कमी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को आप दूर करो तो आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स होने में हेल्प होगी। दिस इज द अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी एक्सटर्नल यूज प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, आप आपके डॉक्टर के ट्रीटमेंट भी चालू रखो, आप आपकी दवा भी चालू रखो, आप आपका डाइट भी चालू रखो, आप आपके एक्सरसाइज भी चालू रखो और इस बायोमैग्नेटिक को एज अ अल्टरनेट सपोर्टिंग एक्सटर्नल यूज करके यूज करो। अगर मैग्नेट भी आप पे काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका डॉक्टर भी काम नहीं कर रहा, आपका दवा भी काम नहीं कर रहा, आपका डाइट भी काम नहीं कर रहा, आपका एक्सरसाइज भी काम नहीं कर रहा, इतना चिथड़े अपने आपके बॉडी के उड़ा दिए। तो मैग्नेट तो विद इन सेकेंड हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देता है, कोई दवा नहीं है और उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना भी नहीं है। एक जन तो परसों मेरे को हड्डी का एक्सरे लेके आया, बोले ये हड्डी ये देख के बताओ। इसका मतलब ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्यों है, आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि आपके ब्लड सेल्स कमजोर है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अगर उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब बिगड़ने का कारण क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिला करके बिगड़ा, तो उसको सुधारने का कारण उसको ऑक्सीजन दो और मैग्नेट वो काम करता है। और उसके जो डेमोंस्ट्रेशन आप देखो, आपको अंदाजा आ जाएगा क्या लेवल पे आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अच्छा, 16 सालों से हम लोग इस बिजनेस में, 16 सालों से ना हमारे दरवाजे में कोई आ सकता प्रोडक्ट से रिलेटेड ना पे आउट से रिलेटेड। तो 16 साल से हम लोग एक ही छत के नीचे बैठ के अगर काम कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस, हमारा अर्थ खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। ओके, तो ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए हमें मैग्नेटिक पावर चाहिए। नासा के साइंटिस्ट भी उनके स्पेस शटल के अंदर, उनके कपड़ों के अंदर, उनके जूतों के अंदर इस टाइप के हाई इंटेंसिटी के मैग्नेट्स यूज करते हैं। और आज अब बस हम अवेयरनेस करने का, मैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल साइंस, बस आप भूल गए तो उसको आप याद दिलाने का काम हम कर रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म 100% हमारे बॉडी पे काम करता है। मैग्नेट ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है और सारी की सारी बीमारियां वहीं से शुरुआत होती है। ओके, एनीमिया एंड हाइपोक्सिया। एनीमिया मतलब खून के अंदर आयरन की कमी। जब खून में आयरन की कमी होगी तो सीधी बात है, आयरन ही ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। आयरन कम है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी यानी हाइपोक्सिया होगा। और इन दोनों के कारण ही आपके शरीर में मल्टीपल बीमारियां होना शुरू हो जाती है। आज साइंस इतना ग्रो कर चुका है लेकिन आज इंसान की जो लाइफ स्पैन है वो 60-65 रह चुका है। रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीजों की वजह से उसका असर ब्लड सर्कुलेशन पे होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन को आप ठीक करो, आपके प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप सो गए और दूसरे दिन हो गए, जस्ट पेशेंटली वेट करना पड़ता है। और आपने कितनी बॉडी की चिथड़ी उड़ाई हमें भी मालूम नहीं है। तो इस तरह से आप इस मैग्नेटिज्म को यूज करो, हमारे फैमिली की ईच एंड एवरी पर्सन को उसको देना है। आपके जो भी नियर एंड डियर हैं जिनके बारे में आप अच्छा सोचते हो उनको भी ये प्रोडक्ट आपको देना है। और उसे खूबसूरत बिजनेस भी हमने यहाँ पर किया, क्योंकि प्रोडक्ट तो लाखों की तादाद में जा रहा है लेकिन आपको क्या फायदा, तो आपको क्या फायदा उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो मैं बिजनेस प्लान यहाँ पर दिखाऊंगा, इस आपको स्क्रीन के ऊपर आना है। तो अगले 10 से 15 मिनट में आपको बिजनेस प्लान के ऊपर आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि बिजनेस प्लान क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस क्या है, उसको समझेंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए, हमारा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये किसी को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, कोई दूरबीन लगा के ढूंढने की जरूरत है क्या कि कौन सोता है कौन नहीं सोता है। आपके सामने जीता जागता बैठा है, इसका मतलब वो सोता ही है, तभी तो आपके सामने जीता जागता बैठा है। अच्छा, दुनिया में आज तक आपने लोगों को पूछा होगा यू आर वेजिटेरियन यू आर नॉन वेजिटेरियन, कभी आज तक की जिंदगी में आपने पूछा कि आप सोते हो क्या नहीं सोते हो? तो ये मार्केट बहुत बड़ा है, समंदर में से आधा बूंद भी नहीं निकला, इतना बड़ा मार्केट है।
अगले 7 साल में मैग्नेट का मार्केट है 60 से 70 हजार करोड़ वर्ल्ड वाइड मार्केट बोल रहा हूं, और वी आर अ पायोनियर, वी आर अ इन्वेंटर, तो इसको पूरे वर्ल्ड में लेके जाने का मादा हम रखते हैं। हमारे पास ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, सॉफ्टवेयर है, जो जो भी सर्कमस्टेंसेस इस बिजनेस को ऊपर लेके जाने के लिए चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है, हम इसको एक ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। हम लोग बिजनेस को 15-20 मिनट समझेंगे तो यहाँ पर अभी करियर की भी बात है, खाली जिंदगी भर कस्टमर बन के रहने में भी कोई अकलमंदी नहीं है, खाली कस्टमर बन के रहोगे तो amazon.com भी बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है वो देखना है। आज दुनिया ऑटोमेशन में चली गई है, मर्सिडीज की फैक्ट्री की बात कर लो कि वहां पर जहाँ 1000 मजदूर काम करते थे उन्होंने पूरा ऑटोमेशन करके सिर्फ 5 मजदूर आज उस फैक्ट्री में काम करते, बाकी सब कुछ रोबोट और ऑटोमेशन हो रहा है। आने वाली दुनिया हम खुद भी ऑटोमेशन में जा रहे, आज जो हमारा बंदा हाथ से मैग्नेट लगा रहा है वो रोबोट कर रहा है, आने वाले 4 महीने में 5 महीने में रोबोटिक कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग मैन पावर को एलिमिनेट कर रहे और मशीनरीज और ऑटोमेशन सिस्टम लेके आ रहे, तो आगे जाके 8-10 साल में दुनिया ऑटोमेशन में चली जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, 200 करोड़ तक जाएंगे। इन 200 करोड़ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी कहां से लेकर आएंगे, बिजनेस कहां से लेकर आएंगे, कितने लोगों को लेकर आएंगे, तो एक रेफरल मार्केटिंग, एक नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम इस प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं। और दुनिया की सबसे स्ट्रांग जो कंसेप्ट है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, खाली उसको चलाने वाला स्ट्रांग चाहिए, प्रोडक्ट स्ट्रांग चाहिए, सिस्टम स्ट्रांग चाहिए, सॉफ्टवेयर स्ट्रांग चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, ये सब चीजें हमारे पास प्लस है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए दुनिया में नेगेटिव से नेगेटिव आदमी भी अगर हमारे इस कंसेप्ट को देखेगा तो वो पॉजिटिव उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा जितना वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए भी कुछ कारण है, क्योंकि उसको वहां पर अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं मिले, अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिले, अच्छे पे आउट नहीं मिले, अच्छे सिस्टम नहीं मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, अच्छे लोग नहीं मिले, कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से प्रॉब्लम दोनों तरफ से होता है, कहीं इंसान में भी कमियां खामियां होती है, यूगोस के प्रॉब्लम होते हैं, तो यहां पर सब कुछ हमने प्लस कर दिया और हम लोग और भी उसको बेटर लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि आज मैं खुद भी मानता हूं हम 0.1% भी नहीं है, 100% होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं और इसको एक ऊंचाई पे लेकर जाएंगे। तो यहां पर बहुत ही खूबसूरत इनकम सोर्स है। बस मैं इतना ही बता दूं कि पावर ऑफ थ्री में, मतलब घर में 3-4 प्रोडक्ट लगने वाले, पावर ऑफ थ्री में 4 अच्छे लोगों को लाया, इनमें अच्छा अवेयरनेस क्रिएट किया, इनको अच्छा नॉलेज दिया, इनको हमारे ऑफिस में लेकर आओ, ये पूरा ऑफिस देखेंगे, सेटअप देखेंगे। 4 लोगों को लेकर भी आप अगर काम करते हो, अच्छे काम वाले लोगों को, तो भी दिन से आप दिन में 2 से 2.5 लाख रुपए लेके जा सकते हैं। उसको मैं आपको साइंटिफिकली यहां पर प्रूव करूंगा और हर चीज का जस्टिफिकेशन मैं दे सकता हूं। मैं प्रोडक्ट के बारे में जस्टिफाई कर सकता हूं, अगले 24 घंटा में प्रोडक्ट के ऊपर नॉनस्टॉप साइंटिफिक विद एविडेंस बात कर सकता हूं, इतना इसके ऊपर साइंस है, इतना कंटेंट मैंने जमा किया, मेरी खुद की 1300-1400 पेज की पीपीटी मैंने बनाई है और 400 पेज मैंने जमा करके रखे, तो 1700-1800 पेज की पीपीटी मेरे पास खुद है, तो प्योर साइंटिफिक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, और हमने ये करके दिखाया। 18 महीना हमने टाइम टू टाइम पे आउट दिया, 1-1 घंटे में पे आउट दिया है, तो इसमें जीरो रिस्क लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में 4000-6000-11000 के कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तान का बंदा इसको पार्टिसिपेट करके कर सकता है, इतना आसान तरीके से हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम 35 से भी ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के पीछे लगे हैं और आने वाले 15 से 20 दिन में हम लोग ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी चालू है, 2-2 फैक्ट्रियां हमारी, ये 3री फैक्ट्री में हम लोग बहुत बड़ा फैक्ट्री ले रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर, इस सब चीजों के ऊपर काम करके इस कंपनी के ऊंचाई पर हम लोग लेकर जाएंगे, क्योंकि यही सब चीजें कंपनी को ऊपर लेके जाने के लिए इजी रहती है। ओके, परफेक्ट है, यस, उसको थोड़ा भाग, अच्छा चलो ठीक। अभी मैं आपको हमारे कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा। 14+ इनकम सोर्सेस है हमारे पास, 14 से भी ज्यादा इनकम सोर्सेस है, इसमें से अभी 5 हमारे एक्टिवेट है और 1 जो है रिपर्चेस हो। जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मार्च महीने के एंड तक कभी भी चालू हो जाएगा रिपर्चेस, बहुत ही जबरदस्त है। रिपर्चेस भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि रिपर्चेस बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, तो आखिरी में आपको रिपर्चेस भी समझाऊंगा, जो नए लोग हैं उनको भी पूरा क्लियर हो जाए। दिख रहा है प्रॉपर, ये कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, 14+ इनकम सोर्स, 5 अभी हमारे इनकम चालू है और 1 जो है हमारा रिपर्चेस जो आने वाले दिनों में हम ला रहे हैं। यहां पर हमारे पास 3800 का ऑप्शन है, दूसरा 6800 का भी ऑप्शन है और तीसरा 11000 का भी ऑप्शन है। 11000 में भी हमारे पास एक प्रीमियम क्वालिटी भी है 15200 का और एक 8900 का भी हमारा ऑप्शन है।
इसका पीवी सेम रहेगा लेकिन इसमें फैब्रिक की क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी, फैब्रिक की क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी और उसके अंदर मैग्नेट की पावर भी 2 से 3 गुना ज्यादा रहेगी। तो बेसिकली ये हमारे स्टार्टर 3 पैकेज है, 3,800, 6,800, 11,000, 15,000 और 9,000, 8,900। अभी 3,800 में आपको एक वाटर एनर्जी पैड और एक जंबो किंग बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट मिलता है, 6,800 में आपको एक 3x6 की बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड मिलता है, एक जंबो किंग ब्रेसलेट मिलता है, एक वाटर एनर्जी पैड मिलता है। तो इसमें ये 3 प्रोडक्ट मिलते हैं और हमारी खुद की ओन मैन्युफैक्चरिंग बेस है और 11,000 रुपए में हर चीज आपको दो मिलती है, 2 3x6 की बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, 2 जंबो किंग ब्रेसलेट और 2 वाटर एनर्जी पैड। आपको ये 3 प्रोडक्ट आपको हर एक में 2-2 प्रोडक्ट मिलता है। तो ज्यादा तो लोग 11,000 वाले में ही जाते हैं, बाकी आपकी मर्जी। और यहाँ पर भी आपको सब दो दो मिलेगा लेकिन वो स्पेशल प्रीमियम क्वालिटी होती है, सब चीजें आपको दो दो मिलेगी। और 8,900 में आपको बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड, वाटर एनर्जी पैड सब एक एक मिलेगा लेकिन प्रीमियम क्वालिटी का, हाई इंटेंसिटी का आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा प्लान है। अब सॉफ्टवेयर को समझ में आया, इसके लिए हमको कुछ पॉइंट यहाँ पर देना पड़ता है। तो 3,800 के लिए हम 25 पीवी देते, 1 PV = 10 rupees, 6,800 के लिए 50 पीवी और 11,000 के लिए 100 पीवी और 15,000 के लिए भी 100 पीवी और 8,900 के लिए भी 50 पीवी। पीवी सेम है, खाली उसकी क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देखो मार्केट में 250 रुपए में भी शर्ट मिलता है और 1,000 में भी मिलता है, 5,000 में भी मिलता है। तो ये प्रीमियम क्वालिटी है। अगर आपके पास 1,500-2,000 ज्यादा खर्च करने की दानत है तो आपको स्पेशली लेना है, बाकी तो ये भी सही है। ये भी हमने लाखों की तादाद में बेचा है तो प्रोडक्ट अपना असर करता ही है, बाकी डिफर करता है कि आप अपने आपका बॉडी का क्या परिस्थिति है। ओके, तो क्लियर हुआ। 14 इनकम सोर्स, 5 अभी चालू है, 6वां एनी मूवमेंट चालू होगा। ये हमारी पैकेज अमाउंट है, हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू है, वर्थ वैल्यू का, वैल्यू फॉर मनी का प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं। किसमें क्या मिलना है वो भी मैंने आपको बताया, कितना पीवी ये भी मैंने बताया, 25 PV, 50 PV, 100 PV। 3,800 में एक वाटर एनर्जी पैड, एक जंबो किंग ब्रेसलेट, 6,800 में एक 3x6 की बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड, एक जंबो किंग ब्रेसलेट, एक वाटर एनर्जी पैड और 11,000 में हर चीजें दो दो मिलेगी आपको। आपको अगर 3x6 का नहीं चाहिए तो 11,000 में आप 5.5x6 का एक बड़ा भी ले सकते हैं, डिपेंड कि आपकी बेड की साइज क्या है। तो इस तरीके से ये हमारा पैकेज हो। आगे हम बढ़ते हैं बिजनेस प्लान की तरफ। अब जैसे मैंने कहा हमारे पास 14+ इनकम सोर्स है, तो पहला है अवेयरनेस बोनस, दूसरा है फैमिली बोनस, तीसरा है परफॉर्मेंस बोनस, चौथा है पिकअप सेंटर बोनस और 5वां है सरप्राइज बोनस और 6वां जो हम चालू करने वाले हैं वो है रिपर्चेस बोनस। रिपर्चेस में भी हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आएंगे, तो रिपर्चेस के बारे में भी हम अंत में समझेंगे। पहले ऊपर वालों को समझते, जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में आए, मेरे आंखों में चमक रहा दिख नहीं रहा है उसको, थोड़ा सा उम्र हो जाएगा इस डार्क का चेहरा, इसलिए अभी ठीक है ना। चलो ठीक है, तो इस तरह से अवेयरनेस बोनस। अब देखिए व्हाट इज द अवेयरनेस बोनस। अवेयरनेस बोनस से पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताता हूँ। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप कंपनी के साथ ज्वाइंट होते हो तो आपको लेफ्ट और राइट में 50 पीवी का बिजनेस और राइट में 100 पीवी का बिजनेस, या लेफ्ट में 100 पीवी का बिजनेस और राइट में 50 पीवी का बिजनेस से आप अपने आपको एलिजिबल और क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसे केस में आपको फर्स्ट टाइम एक वेलकम पे आउट मिलता है 500 रुपए का। कितना मिलता है? 500 रुपए का एक वेलकम मिलता है, आपका 50 पीवी फ्लश हो जाता है वन टाइम फर्स्ट टाइम। और इसी की वजह से कंपनी आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा दे सकती है, इसी के कारण की वजह से। ओके, तो इस तरह से होता है। फैमिली बोनस आपको फर्स्ट टाइम ही नहीं मिलता और दोनों साइड में आपके 2 डायरेक्ट होना सख्त जरूरी है। एक साइड में आपका कितना भी है अगर 2 डायरेक्ट नहीं है आपका, एक लेफ्ट में डायरेक्ट होना चाहिए, एक राइट में डायरेक्ट होना सख्त जरूरी है, तो ही आप एलिजिबल होते हो। एलिजिबल का क्राइटेरिया 50 PV 100 PV, ये क्लियर हुआ। 50 PV इसमें से फर्स्ट टाइम फ्लश हो जाता है और फिर आपका फिर बाकी सारी इनकम लेने के लिए आप बन जाते हो। तो जैसे मैंने कहा अवेयरनेस बोनस, अभी हम लोग समझते क्या है अवेयरनेस बोनस। अवेयरनेस बोनस जो है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में 25 पीवी, राइट में 25 पीवी आपको मिलता है 250 रुपए। लेफ्ट में 50 पीवी, राइट में 50 पीवी सिस्टम देती है 500 रुपए। 75 PV लेफ्ट में, 75 रुपए राइट में, तो कितना मिलेगा? 750। 1 PV = 10 rupees, बस इतना सिंपल कैलकुलेशन है।
100 PV लेफ्ट में, 100 PV राइट में, तो आपको मिलेगा 1000 रुपए। ये हुआ अवेयरनेस बोनस। इसका मैक्सिमम 12 घंटे का कैपिंग है 1000 PV का, और दूसरे 12 घंटे में वापस 1000 PV लेफ्ट में और 1000 PV राइट में आपका होना चाहिए। तो उसमें पहले 12 घंटे में आपको मिलता है 10000 रुपए और दूसरे 12 घंटे में वापस मिलता है 10000 रुपए, यानी कुल मिला के आपको मिलता है 20000 रुपए। अवेयरनेस बोनस 24 घंटे में, 12-12 घंटे की दो साइकिल, 11-58 में आपको मिलता है 20000 रुपए रोज का, दो साइकिल का मिला के। अब फैमिली बोनस के बारे में बात करेंगे। हम लोग सब फैमिली के लिए ही काम करते हैं, तो फैमिली बोनस क्या है वो हम समझते हैं। और ये मासेस का बिजनेस है, ये क्लासेस का बिजनेस नहीं है, मासेस। जितना ज्यादा लोग आएगा उतना पीवी। एंड ऑफ द डे रात को 11:58 में हम क्या देखते हैं, लेफ्ट में कितना पीवी है, राइट में कितना पीवी है। ओके, कोई भी पैकेज बिके कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये चलता रहता है। 8 से 10 महीना जाता है टीम खड़ी करने में, लेकिन एक बार टीम अगर रफ्तार से गई तो अच्छा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। तो फैमिली बोनस क्या है, आपको 25 में 250 मिला, लेकिन 12 घंटे में ही अगर आप लेफ्ट में 25 और राइट में 25 कर देते हो तो एडिशनल आपको 1250 रुपए मिलता है, यानी आपको कितना मिलता है 1500 रुपए। दिन में दो बार भी मिला तो कितना हुआ 3000 रुपए, महीने का हो जाता है तकरीबन 1 लाख। महीने का कितना होता है तकरीबन 1 लाख। लेफ्ट में 50 में भी राइट में 50 में भी 500 तो आपको मिला, लेकिन फैमिली बोनस आपको मिलता है 2500 रुपए। दिन में दो बार भी मिला तो आपको मिलता है 6000 रुपए। कितना मिलता है 6000 रुपए मिलता है आपको, 3000 3000, दिन में दो बार मिला तो कितना हो गया 6000 रुपए। तो ये भी एवरेज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का इनकम आपका चला जाता है एवरेज। अभी ये कोई कसम खाने वाला नहीं, कभी 50 की जगह 75 भी बिजनेस होता, कभी 100 भी होता। तो एवरेज 2 लाख रुपए हम 50 PV से भी लेके जा सकते, खाली 50 PV भी करेंगे तो। लेफ्ट में 75 राइट में 75 तो आपको 750 तो मिलता ही मिलता है, प्लस 3750 और फैमिली बोनस इसमें ऐड हो जाता है उसी इसमें, तो आपको कुल मिला के 4500 मिलता है। और दिन में दो बार भी मिलेगा तो आपको 9000 रुपए मिलता है, यानी अप्रोक्सीमेटली आप 3 लाख रुपए लेके जा सकते हो सिर्फ 75 PV करने से। सब लेफ्ट में 100 PV और राइट में 100 PV हो गए तो 1000 रुपए तो आपको अवेयरनेस बोनस मिला, लेकिन 5000 रुपए आपको और एज अ फैमिली बोनस मिलता है, तो कुल मिला के आपको 6000 रुपए मिलता है। तो दिन में दो बार मिलेगा तो कितना मिलता है 12000 रुपए। तो ये औसत जो इनकम है ये आपकी जाती है 4 लाख एवरेज, कभी कम कभी ज्यादा। तो 100 PV भी अगर हम करते हैं तो 4 लाख रुपए एक अच्छी अमाउंट हमारे पास आती है, इसीलिए लाखों लोग यहां से अर्निंग कर रहे। और 100 PV करना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा, आपको 4 लाख आए, नीचे वाला अपने 4 लाख के लिए काम करते हो तो आपका अपने आप 8 लाख हो जाता है, इस तरह से लोग काम करते। तो ये क्लियर हो आपको, फैमिली बोनस में आपको मैक्सिमम 5000 मिलेगा, यानी 100 PV के ऊपर ही पैसा मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा, और मिनिमम 25 PV। ओके, 25 PV और 100 PV मतलब 25, 50, 75, 100, 100 के ऊपर फैमिली बोनस नहीं मिलता, उसके ऊपर आपको खाली अवेयरनेस बोनस मिलेगा। फैमिली बोनस मैक्सिमम 100 तक मिलता और वो 12 घंटे में ही लेफ्ट और राइट के होने चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरह से फैमिली बोनस में आपको कितना मिलता है, आपको मिलता है 10000 रुपए। बोलो, इसको पहले टच करना। तो अवेयरनेस बोनस फैमिली बोनस क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे अवेयरनेस बोनस फैमिली बोनस, अभी हम देखेंगे परफॉर्मेंस बोनस। क्लियर हो गए? परफॉर्मेंस बोनस में हमारे पास 3800 का भी है, 6800 का भी है, 11000 का भी है। तो आपकी लेफ्ट और राइट में कोई भी पैकेज बिक जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 3800 के बिक जाए, 11000 के बिक जाए, 15000 के बिक जाए, लेफ्ट में 5-12 घंटे में, राइट में 5-12 घंटे में अगर हो जाता तो आपको 3000 रुपए और एडिशनल मिलता है, और अगले 12 घंटे में लेफ्ट में 5 राइट में 5 वापस आपको 3000 मिलता है। तो कुल मिला के कितना मिलता है आपको 6000 रुपए मिलता है। तो परफॉर्मेंस बोनस आपको मिल गया 6000 रुपए। क्लियर आपको? इस तरह से ये काम होता है आपका। अब मैं आपको यहां पर कुछ कैलकुलेशन समझाता हूं, कुल मिला के कितना हुआ आपका अभी 20, 10, 6, 36000 रुपए। जिंदगी में कभी भी पावर ऑफ 3 किसी हो तो काम ही नहीं करना, क्योंकि मेहनत उतनी पैसा 3 गुना मिलता है। अपने काम चालू किया, ये लेफ्ट और ये राइट। अमाउंट क्या नॉमिनल रखी हमने,
एक बर्तन धोने वाली कोई पैसा लेकर आएगी, कोई अमाउंट ही नहीं है। इधर भी आप, इधर भी आप, इधर भी आप, नीचे चार लोगों से काम करवाना शुरू करो, इसका 36,000 रुपए दिन का फिक्स करो। यहाँ पर लोग दबा के ले रहे, जो करियर ओरिएंटेड लोग है ना, दबा के 3-3 ID पे ले रहे। हमारे धर्मांग साहब अभी बाहर बैठे हैं, कल उनका सिंगल आईडी पे 1 करोड़ क्रॉस हो रहा है, और उनको 1 करोड़ जाने के लिए कितना काम है मालूम है? 1 लाख कल के दिन में, क्योंकि उनकी इनकम ही 1 लाख है, तो कल के दिन में जैसे 1 लाख आ जाएगा 1 करोड़ क्रॉस कर देंगे। तो इसका 36,000, इसका 36,000 और इसका 36,000, तो कुल मिला के कितना हुआ? 1,08,000 रुपए हफ्ते का नहीं, दिन का, ये दिन का है। ओके, इस तरह से ये आपको पैसा मिलता है। अब इसको 1,08,000 का 2,16,000 कैसे करने का, वो भी मैं आपको यहां पर समझा दूंगा। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 36,000 का मैंने आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस बोनस भी हो गया 6,000 रुपए वाला। अब हम लोग पिकअप सेंटर बोनस के लिए बात करते हैं, और सरप्राइज बोनस में आपको दोनों चीजें समझा देता हूं, और फटाफट दो मिनट में आपको समझना है। देखो, ये बिजनेस अगर करना है और यहाँ पर अगर 2-2.5 लाख रुपए दिन का लेके जाना है, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास आपका खुद का पिकअप सेंटर होगा। तो आपको पिकअप सेंटर लेके काम करना है, और पिकअप सेंटर हमारे पास है 52,000 का, एक है 1,04,000 का, और एक है 2,08,000 का। ओके, ये हमारे पिकअप सेंटर्स है हमारे पास। तो पिकअप सेंटर लेके काम करोगे, 52,000 में आपको 20 सिंगल किट मिलेगा, 1,04,000 में आपको 40 सिंगल किट मिलेगा, और 2,008 में आपको 80 सिंगल किट मिलेगा। डबल लोगे तो सीधी बात है आधा आधा हो जाएगा, ये 20 और ये 40, मतलब डबल किट मतलब डबल वाला 11,000 वाला, ये सब आधा आधा हो जाएगा। और लेकिन होगा क्या, देखिए आज हमको अगर काम करना है इस धंधे में से रोज का कम से कम अगर 12,000 भी लेके जाना है, कम से कम 12,000 भी लेके जाना है, तो हमको क्या है, लेफ्ट और राइट में इधर एक सेल इधर एक सेल, तो कितना मिलता है अपने को? 6,000। फिर अगले 12 घंटे में इधर एक सेल, तो वापस कितना मिलता है अपने को? 6,000 रुपए। तो कुल मिला के हमें मिला 12,000। जाने अनजाने में ये 4 प्रोडक्ट तो बिक गया ना। तो अगर आप आपके पास स्टॉक लेके करोगे तो आपको एवरेज 200 रुपए एक के पीछे मिलता है, तो 4 के पीछे कितना मिला? एवरेज 800 रुपए मिला, यानी महीने का 25,000 से 30,000 रुपए मिला। अब बैंक में 1,00,000 रुपए रखोगे तो क्या मिल रहा है? 300-400 भी ब्याज नहीं मिलेगा, वो भी फिक्स में रखोगे तो। यहाँ पे आपको मिल रहा है, अच्छा मैंने 4 की बात की, कभी 8 भी जा सकता है, कभी 16 भी जा सकता है, डिपेंड्स है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि सामने वाला नेगेटिव होने से बच जाता है, क्योंकि होता क्या है, आपने हमें ऑर्डर किया, फिर 2 से 3 के बाद हमारे यहां से निकलता है, 2-3 वर्किंग डेज में हमारे यहां से निकलता है, फिर वो कुरियर वाले के पास जाता है, कुरियर वाला फिर उसको 5-7 दिन आगे पीछे कर ही देता है, तो वो सामने वाला प्रोडक्ट 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 करके उधर ही जान दे देता है, तब तक प्रोडक्ट आता तब तक इसकी जान निकल जाती है। तो अपने हाथ से एक अच्छा बंदा गया जो अपने करोड़ों का बिजनेस दे सकता, तो वो गया सबसे, इसीलिए पिकअप सेंटर लेना है। बाकी देखो, एक केले वाला को भी मालूम है, जब तक गाड़ी पे माल नहीं भरेंगे तब तक वो भी कमाने वाला नहीं है, तो अपने को ये क्या करना है, पिकअप सेंटर लेके काम करना है। पिकअप सेंटर से आपके पास माल रहेगा, जैसे आप एक्टिवेट हो जाते हो तो कंपनी की सिस्टम एक प्रोडक्ट पिन आपको देती है, वो प्रोडक्ट पिन आप जैसे कंपनी को दोगे, कंपनी आपको उसके बदले में प्रोडक्ट भेज देती है, तो वो सिस्टम आपके लोगों के, जो आपके लोग हैं उनके साथ आप इसको समझ लेना। ओके, तो अभी मैं यहां पर आपको सरप्राइज बोनस के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं कि सरप्राइज बोनस क्या, सरप्राइज बोनस क्या हो, ये पिकअप सेंटर समझ में आपको, आपको 200 रुपए से, सॉरी से लेकर 300 रुपए पर प्रोडक्ट मिलता है, उसमें अपना पेट्रोल पानी निकल जाता है, उससे पहले तो अपना कैपिंग जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, लोग नेगेटिव होने से बचते हैं, ये देखना, ये 200-300 देखना नहीं, लेकिन इसमें कोई कैपिंग नहीं है। अब सरप्राइज बोनस को समझते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा हमारा 26,000, 52,000, 1,04,000 और 2,08,000 का पिकअप सेंटर, ये 26,000 वाला तो लेना ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई मतलब ही नहीं है, उठ के मूवी जी रहा है। अब यहां पर सरप्राइज बोनस की मैं बात कर रहा हूं, व्हाट इज द सरप्राइज बोनस, आपके लेफ्ट में किसी ने 52,000 का 52,000 का पिकअप सेंटर लिया, तो कंपनी आपको 600 PV देती है, और 1 PV मतलब 10 रुपए, तो कितना मिला आपको? 6,000। 1,04,000 लेफ्ट में कोई लेता है, 1,04,000 लेफ्ट राइट में कोई लेता है, तो आपको 1,200 PV मिलता है, यानी 12,000 रुपए आपको मिलता है,
और कभी किसी ने 2,08,000 का लेफ्ट में लिया, 2,08,000 का राइट में लिया, तो आपको 2,400 भी मिलता है, यानी 24,000 रुपए मिलता है। कभी ऐसा हुआ इधर 52,000 और इधर 1,04,000, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका 1,200 भी, इसका 600 भी, 600-600 मैच हो जाएगा और 600 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम जो कैपिंग है पहले 12 घंटे की 60,000 है, कितना आलोक दबा के ले रहे, पहले 12 घंटे की कितनी है 60,000 और दूसरे 12 घंटे की 60,000, यानी 1,20,000 रुपए आप अलग से लेके जा सकते हो, 1,20,000 आप अलग से लेके जा सकते हो। तो पिकअप सेंटर और सरप्राइज बोनस का पता चला, सरप्राइज बोनस मतलब आपके नीचे कोई भी पिकअप सेंटर लेगा आप उसको जानते ही नहीं जानते, 60,000 बहुत बड़ी कैपिंग है, तो आपको ये मिलता है। क्लियर है आपको, इस तरीके से ये काम होता है। अब भाई आपको यहां पर रिपर्चेस बोनस के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, फिर आप फ्री हो जाएंगे। रिपर्चेस बोनस, फिर हमारे यहां पर है ना लॉयल्टी बोनस, प्रोविडेंट बोनस भी, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। रिपर्चेस में हम लोग तकरीबन 30 से 32 प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। अभी हम लोग एक 6,750 का एक रिपर्चेस पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको माइग्रेन हेडेक वाला बेल्ट देंगे हाई इंटेंसिटी का, एक स्नोरिंग की कैप देंगे, जो बंदा स्नोर करता है उसके लिए स्नोरिंग कैप हम बना रहे हैं, और ज्यादा तो 100 में से 90 लोगों को वजन ज्यादा है तो उनका पैर दर्द काफी होता है, फुट पेन होता है, और मैग्नेट इज अ नेचुरल पेन किलर। ओके, मैग्नेट के बारे में आप जाके इंटरनेट पे देख लो, आपको पता चलेगा। तो ये 3 प्रोडक्ट हम लोग देंगे, 3-in-1 प्रोडक्ट देंगे हम लोग आपको 6,750 में, एवरेज है क्योंकि 50-100 रुपए आगे पीछे भी हो सकते हैं, मैं एक औसत आपको बता रहा हूं। और ये पैकेज है ना, आपको बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बंदा वही लेगा जिसको कंपनी की सिस्टम पे आउट, कंपनी का वो फुल्ली कॉन्फिडेंस है, उसने कमाया वही बंदा इसको रिपर्चेस करना है। तो इसके लिए अभी अगर आपको इसको 100% मेहनत करना पड़ा, इसको सिर्फ 1% ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कन्विंस है आदमी। तो ये 6,750 का आपके एग्जिस्टिंग टीम पे, जो आपको ऑलरेडी पैसा मिला है उनसे, 36,000 ऑलरेडी आपने लिया है, उसके ऊपर दोबारा से आपको पैसा मिलता है। जब भी आपका लेफ्ट और राइट टीम जब ये प्रोडक्ट बाय करती है, लेफ्ट में 5 लोग और राइट में 5 लोग ये बाय करते हैं, और इसमें टाइम लिमिट भी नहीं है, जब भी होगा तब मिलेगा, लेकिन मैं हिसाब के लिए 12 घंटा पकड़ता हूँ, हिसाब के लिए क्या पकड़ता हूँ, 12 घंटा पकड़ता हूँ। 12 घंटे में लेफ्ट में 5 और राइट में 5 लोगों ने अगर रिपर्चेस किया तो आपको पहले 12 घंटे में मिलेगा 18,000 रुपए, और दिन में 2 बार 12 घंटे आते, लेफ्ट में 5 और राइट में 5, तो वापिस मिलेगा आपको 18,000। तो कुल मिला के कितना मिला 36,000 रुपए। अब यहां पर 36,000 तो हमको मिल ही रहा था, बोलो। अब ये 36,000 अलग से, अब होगा क्या, पावर ऑफ थ्री में जब आप काम करते हो, पावर ऑफ थ्री में लेफ्ट एंड राइट, तो पहले 36 मिल रहा था, अभी 36 मिल रहा, तो कितना हुआ, 72,000 आपका हो गया, 2,16,000 कितना हो गया, 2,00,000। क्लियर हो रहा है, ये मास्टर्स का बिजनेस है, 2-2,25,000, और अभी मैंने 4 इनकम पकड़ी, ये 3 और ये 1, 4 इनकम, ऐसी 14 इनकम आने वाली। जब 14 इनकम आएंगे ना, 14 इनकम, तो ये 20 लाख, ये 20 लाख और ये 20 लाख, 60 लाख आप दिन का, महीने का नहीं, दिन का लेके जा सकते, इतना पोटेंशियल है। क्योंकि हमारा लॉयल्टी बोनस जो आ रहा है, आपकी लेफ्ट टीम और राइट टीम जितना भी कमाएगी उसके ऊपर भी आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि कंपनी का भी 10-12% प्रॉफिट चलता है, तो प्रॉफिट भी हम आपको देने के लिए तैयार है, हम शेयर करने के लिए तैयार है। लेकिन लॉयल्टी बोनस, प्रोविडेंट बोनस और वो जो है, हम लोग नेक्स्ट कभी समझेंगे, क्योंकि इतना ही हजम कर लो तो भी काफी है। तो इस तरीके से ये काम होता है, 14+ अर्निंग सोर्सेस, और हम लोग सॉफ्टवेयर के लोग, हम दुनिया को सॉफ्टवेयर बना के देते, तो हम लोग हमारे लिए क्या कर सकते, सोचो अभी हम लोग दुनिया का सॉफ्टवेयर बनाते ही नहीं है, हम लोग पूरी एनर्जी सिर्फ हमारे ई ऑडिटोरियम को लगा रहे, हम अभी किसी को प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे पिछले 17-18 महीने से, तो पूरी एनर्जी हम लोग हमारी कंपनी को दे रहे, प्रोडक्शन और सब पूरी एनर्जी हम दे रहे। 40 से भी ज़्यादा डिवीजन मैं संभालता हूँ, और अभी यहाँ से मैं जाऊँगा तो 5 बजे तक मैं सॉफ्टवेयर पर काम करूँगा, फिर 5 बजे सोता हूँ, फिर 10:30-11 बजे उठता हूँ, फिर 10:30 से लेकर रात को 2 बजे तक मेरे सब एक्टिविटीज काम चलते रहते हैं। तो इस तरीके से पैसा आपको क्लियर हुआ, तो एक लीगल एथिकल वे से टैक्स पेड इनकम है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन इतना ही काफी है, थैंक यू वेरी मच।
सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आपने सुना आपके हमारे आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी सर को बहुत खूबसूरत तरीके से प्रोडक्ट का नॉलेज दिया, साथ साथ में आपको इतना ज़बरदस्त खूबसूरत बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखाई। साथियों, इसमें करना है क्या है, कुछ नहीं करना है, जो आज आपके साथ हुआ बस वही करना है। किसी न किसी ने आपको एक लिंक भेजी और कहा कि एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपके बीच में शेयर की जाएगी, जस्ट सिर्फ सुन लो, देख लो, समझ लो। और माय डियर फ्रेंड, जिन्होंने भी इसे सुना, देखा, समझा और उस पर अमल किया है, तो ये वादा है मेरा, उन लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है और अब बारी आपकी है। करना क्या है, सिंपल, यही जो घर बैठे काम, चूँकि अभी भी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। और ये सिस्टम के अंदर एक चीज़ और बता दूं, ये सिस्टम सिर्फ आपको दो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी देता है और आप भी दो लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। यहाँ पर पोजीशन का खेल है, पोजीशन का खेल है। आपके पास में दो पोजीशन है, एक आप है, आपकी दूसरे पे एक लेफ्ट और एक राइट है। इस दो पोजीशन के ऊपर अगर आपने अभी इस समय जिस किसी व्यक्ति ने आज आपको आमंत्रित किया है, अगर आपने उस व्यक्ति को आपकी KYC दे दिया, आपने उसको अपनी जानकारियां दे दी, वो उस पोजीशन को अगर होल्ड कर देता है, इस पोजीशन होल्ड करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई चार्ज पैसा नहीं लगता है। और जैसे ही पोजीशन बुक किया और उसके अलावा और भी बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इस समय लाइव देख रहे हैं, कोई ना कोई अगर आपके ऊपर भी अगर इस चीज़ को देख रहा होगा और उसने अगर पहले डिसीजन लिया और वो अगर डिसीजन लेगा तो बाय डिफॉल्ट वो कहीं ना कहीं घूम करके आपके नीचे ही आने वाला है। तो एक सिंपल सी बात है, जल्दी डिसीजन लेकर के किसी आने वाले नए आने वाले व्यक्ति का फायदा उठाना या लेट डिसीजन लेकर के सारी जिंदगी कमा कमा के उसको देना, ये सब आपके एक छोटे से डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, ऑलरेडी वाइट्रम बिजनेस सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से वचनबद्ध है समय पर अपने काम शुरू करने के लिए और समय पर समाप्त करने के लिए। और चूंकि अभी 10 मिनट हम लोग ज्यादा जा चुके हैं, जो 10 मिनट बड़ा लाजमी है क्योंकि आज आपके हमारे बीच में हम सबके चहेते आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी सर थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में आपके जितने भी क्यूरीज हैं, जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, तो जिस किसी व्यक्ति विशेष ने आज आपको आमंत्रित किया है, जल्दी से श्योर करें, तुरंत उन्हें फ़ोन लगाएं और उनसे आपकी सारे के सारे डाउट, सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन पूरी लेकर के साइन अप करें और शुरू हो जाएं हमारे साथ में। तो ई वाइट्रम सपोर्ट सिस्टम आपका स्वागत करता है, वेलकम इन ई वाइट्रम फैमिली। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर, बाय, अल्लाह हाफिज, साथ में जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, थैंक यू।